वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को बजाना मत भूलिएगा, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही कंटेंट्स लाते रहते हैं। Hey guys, AP here. You are watching TecknoKing and once again I'm back with a new video. और आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ Reliance Jio के एक recently launch news के बारे में। So guys, without any further delay, let's get started. तो गाइस, बहुत दिनों से हम जियो के बारे में बहुत सारे न्यूज़ सुन रहे हैं, जैसे कि जियो अपना जियो डीटीएच लॉन्च करने वाला है, जियो अपना जियो फाइबर लॉन्च करने वाला है, अभी कुछ दिन पहले ही जियो ने अपना जियो फोन भी लॉन्च किया था। सो गाइस, livemint.com ने एक नया आर्टिकल पब्लिश किया है आज ही, और इसमें कहा गया है कि रिलायंस जियो अपना खुद का क्रिप्टो करेंसी बनाने वाला है। गाइस, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अभी बिटकॉइन बहुत ही ट्रेंडिंग पर है और बिटकॉइन का जो प्राइस है वो इंक्रीज या डिक्रीज होता जा रहा है। सो गाइस, इसी को देखते हुए जियो अपना खुद का क्रिप्टो करेंसी बनाने वाला है जिसका नाम वो जियोकॉइन रखेगा। और जियो ने ऐसा प्लान किया है कि वो 50 लोगों की एक टीम बनाएगा जो कि ब्लॉकचेन की टेक्नोलॉजी पे काम करेंगे और जियोकॉइन बनाएंगे। और ऐसा भी कहा गया है कि मुकेश अंबानी के बड़े बेटे आकाश अंबानी जियोकॉइन के इस प्रोजेक्ट को लीड करेंगे। सो क्रिप्टो करेंसी के बारे में बता दूं, अगर आप नहीं जानते तो एक टाइप की डिजिटल करेंसी है जिसको आप देख नहीं सकते, जिसको आप छू नहीं सकते। ये बस एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म पर भेजा जा सकता है, इससे आप ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। ये एक टाइप की वर्चुअल करेंसी है, ये क्लाउड स्टोरेज में स्टोर्ड होता है। और जियोकॉइन के जितने भी डेटास होंगे वो फिजिकल डेटा सर्विस में स्टोर्ड नहीं होंगे, वो भी क्लाउड स्टोरेज में ही स्टोर्ड होंगे। तो गाइस, ये जस्ट एक लीक न्यूज़ है, और इतने दिनों से जियो के बारे में जितने भी र्यूमर्स आए हैं वो कुछ दिनों के बाद सच हो जाते हैं, तो हम उम्मीद करते हैं कि शायद ये न्यूज़ भी सच हो। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि जियो जब भी कुछ नया लॉन्च करता है तो वो स्टार्टिंग में उसे फ्री में देता है, तो ऐसा हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जब जियो कॉइन लॉन्च होगा शायद वो इससे भी फ्री में दे। और गाइस, जो क्रिप्टो करेंसीज में इन्वेस्ट करते हैं वो शायद जियो कॉइन में इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि मे बी स्टार्टिंग में जियो कॉइन का प्राइस लो होगा और इन्वेस्ट करने के बाद कुछ सालों बाद शायद इसका प्राइस बढ़ जाए, तो जो इसमें इन्वेस्ट करेगा ये उनके लिए बेनिफिशियल हो सकता है। सो गाइस, एज ऑफ नाउ इंडियन गवर्नमेंट ने क्रिप्टो करेंसीज पर बैन लगा रखा है, तो देखते हैं जब जियो अपना जियो कॉइन लॉन्च करेगा तो क्या होता है। सो गाइस, अगर आप ये पोस्ट पढ़ना चाहते हैं तो मैं इस पोस्ट की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो आप वहाँ से जाके ये पोस्ट पढ़ सकते हैं। तो गाइस, जैसे ही जियो अपने जियो कॉइन के बारे में कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट देता है हम आपको हमारे चैनल में सबसे पहले बता देंगे। सो गाइस, जियो से रिलेटेड किसी भी न्यूज़ के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और नोटिफिकेशन बेल को भी बजा दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।